अयोध्या के रानोपली स्थित सामंत श्री स्मारक ठाकुर विजय राघव महाविद्यालय में त्रिदिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आज समापन हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाजवादी संत सभा के अध्यक्ष व विद्यालय के प्रबंधक महंत भवनाथ दास जी महाराज ने की। विद्यालय के प्रधानाचार्य रामबख्श यादव ने बताया कि विद्यालय में 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आज समापन किया गया। खेलकूद प्रतियोगिता में लगभग 10 विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया था। विभिन्न प्रतियोगिता में जीत हासिल करने वाले प्रतिभागियों को आज पुरस्कार वितरण किया गया। लगभग 300 विजयी छात्र और छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। आज विद्यालय के बच्चों द्वारा नाटक, देशभक्ति गीत और प्रेरणादायक विषयों पर वाद विवाद आदि कार्यक्रम किए गए। बच्चों को पुरस्कृत करने के लिए सपा नेता बलराम मौर्य विद्यालय पहुँचे थे, जिन्होंने बच्चों की हौसला अफजाई करते हुए उनको विजयी होने पर शुभकामनाएं दी। सामंत श्री स्मारक ठाकुर विजय राघव विद्यालय रानोपाली में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी त्रिवर्षीय वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता समारोह चल रहा है। आज के उद्घाटन के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, इस क्षेत्र के विधायक रहे हम सब के लोकप्रिय नेता आर्य सत्यनारायण पवन पांडे जी, आर्य महंत रामदास जी, जिनके बदौलत विद्यालय चल रहा है, जिनके आशीर्वाद से मैं यहाँ पर स्थापित हूँ। हनुमानगढ़ी सिद्धपीठ के महंत, समाजवादी संत सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस विद्यालय के प्रबंधक और अध्यक्ष हमारे परम पूज्य गुरु श्री महंत भवनाथ दास जी महाराज, और समापन के लिए कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन और पिछड़ावर्ग आयोग के सदस्य भाई बल्लाम मौर्य जी हैं, वो अभी कुछ ही क्षणों में आ रहे हैं। वो बच्चों को पुरस्कार वितरण करके कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। और जो मेधावी छात्र था, चैंपियन छात्र जिसे कहते हैं, 5 खेलों में अकेले वो प्रथम स्थान प्राप्त किया था और बाकी तो खोर कबड्डी में भी लोगों के सहयोग से प्रथम स्थान प्राप्त किया है, वो लड़का आकाश गुप्ता, उसको स्वर्ण पदक और ट्रॉफी दे करके उन्होंने पुरस्कृत किया। कितने बच्चों को? 300 बच्चों को पुरस्कार देने की व्यवस्था है। 100 स्वर्ण और 100 कांस, 100 सिल्वर मैंने मंगा रखा है, 4 शील्ड और 5 ट्रॉफी मैं मंगा के रखा हूँ, जो बच्चों को आज बांटूंगा। लगभग 10,000 का ये पुरस्कार है। इसके अतिरिक्त भी और पुरस्कार देंगे। 30 ऐसे बच्चे जो हमारे यहाँ बिना माता के या बिना पिता के हैं, जिसे असहाय कहा जाता है, जिनकी छाया माता पिता की चली गई, ऐसे गरीब और कमजोर बच्चों को मैं 30 कंबल लाया हूँ। ऐसे अभिभावकों को भी सम्मानित करने का आज काम करेंगे। ये सारा श्रेय समाजवादी संत सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे गुरु हैं, जिनकी बदौलत ये कार्यक्रम चल रहा है, उनको जाता है और आप सबका आशीर्वाद। कल 26 जनवरी है और ये गणतंत्र दिवस है। देश की आज़ादी के लिए हमारे देश के महापुरुषों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा है। इसी फैजाबाद मंडल कारागार में अशफाकुल्ला खान ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा है।